हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अधेश सिंह आपका अधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। उनसे जब आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बस बुरा ही बुरा हो रहा है। आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। और ये जो निगेटिविटी है, ये आजकल हमारे समाज में एकदम नासूर की तरह फैल गई है। आप कभी कोई न्यूज़पेपर देखें, उसमें सिर्फ बुरी बातें आपको दिखेंगी। 90% बुरी बातें, हार्डली 10% अच्छी बातें होती हैं। आप कोई न्यूज़ चैनल उठा के देखें, बस वहाँ पे केवल निगेटिव बातें होती हैं। सोशल नेटवर्किंग भी आप देखेंगे तो सिर्फ निगेटिव बातें होती हैं। ये जो एक निगेटिव थिंकिंग है, ये बड़ी डेंजरस होती है। हम कैसे इस निगेटिव थिंकिंग से मुक्ति पाएँ? क्योंकि जब तक आप निगेटिव चीज़ों से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे और आगे रास्ते पर नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम आज का जो टॉपिक है, हाउ टू हैंडल निगेटिविटी, हम ये जो निगेटिव विचार हैं, जो निराशावादी जो हमारे विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनसे हम कैसे मुक्ति पाएं। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो निगेटिविटी है, ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है। जैसे दिन होता है और रात होती है, अगर हम निगेटिविटी को अंधकार से कंपेयर करें तो पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक सोच जो है, वो एक रोशनी की तरह है। तो आप देखते हैं कि एक दिन में आधे समय दिन होता है, आधे समय रात होती है। अगर कल्पना करें कि रात हो ही ना, तो बड़ा मुश्किल है जीना। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि सिर्फ रात हो और दिन ना हो, तो भी जीना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो हमें ये समझना है कि हमें निगेटिविटी से मुक्ति नहीं पाना है, बल्कि निगेटिविटी को बैलेंस करना है पॉजिटिविटी के साथ में। एक्सेस ऑफ निगेटिविटी जो एक नकारात्मक सोच जो अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डेंजरस है। लेकिन एक लिमिट तक नकारात्मक सोच की एक अहमियत होती है, जैसे कि रात की अहमियत होती है, जब हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, ताकि हम नेक्स्ट डे फ्रेश होकर के उठें। दूसरे मायने में हम जो नकारात्मक सोच है, उसको हम एक ट्रैफिक पे जो एक लाल बत्ती होती है, उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। लाल बत्ती आपको रोकने को बोलती है, आपको बड़ा इरीटेट करती है, आपको बड़ा ख़राब लगता है अगर आप जा रहे हों और लाल बत्ती हो जाए। लेकिन कल्पना करिए कि लाल बत्ती हटा दी जाए, हर चौराहे से लाल बत्ती हटा दीजिए, केवल वहाँ पर ग्रीन लाइट या हरी लाइट हो जाए, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। क्योंकि अगर लाल बत्ती नहीं है तो ग्रीन लाइट का कोई मतलब ही नहीं है। इससे बेहतर है कि आप ग्रीन लाइट को हटा ही दें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाल बत्ती का भी एक पर्पज़ है, उसी तरह निगेटिविटी का भी एक पर्पज़ है कि निगेटिविटी हमें यह बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम निगेटिविटी पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में आप लगातार रहें, महीनों महीनों तक रहें, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी क्या मानसिक और शारीरिक हालत होगी। उसी तरीके से जब हमारे जो एक निगेटिव विचार हैं हमारे दिमाग में हमेशा भरे रहते हैं, तो हमारी जो विचारधारा है बड़ी तरीके से दूषित हो जाती है। तो हमें उससे निकलना है और अपने को एक सकारात्मक रास्ते पर चलना है। अब इसको हम कैसे ले जाएँ, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो इसके लिए मैं आपको 7 जो है आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, 7 चीज़ों पे फोकस करने को बता रहा हूँ, और अगर आप उसको करते हैं तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। कोई भी ऐसा आदमी आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जिसके अंदर सिर्फ बुराइयाँ हों और अच्छाइयाँ नहीं हों। लेकिन अगर आप किसी आदमी से मिलेंगे तो सबसे पहले वो उसकी निगेटिव चीज़ों के बारे में बताएगा, क्योंकि ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ आदत बन गई है। क्योंकि जब हम दूसरे के निगेटिव बताते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर महसूस करते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिविटी डेवलप करनी है तो आप हर एक आदमी के अंदर जो उसकी अच्छाइयाँ हों उस पर फोकस करें। जब आप अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो आदमी आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा और आपकी धारणा बदल जाएगी। और हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोकस ऑन गुडनेस, अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि हम बड़ी आसानी से लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कहीं भी बैठेंगे आप देखेंगे 90% हमारा जो समय जाता है वो क्रिटिसिज्म पे जाता है। हर आदमी को क्रिटिसाइज़ करना, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ करना, राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज़ करना, दुनिया को क्रिटिसाइज़ करना, मौसम को क्रिटिसाइज़ करना, भगवान को क्रिटिसाइज़ करना, इतना हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान रहता है। हम जब किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं। जैसे कि किसी दूसरे आदमी को छोटा जब हम कर देते हैं तो हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, बल्कि दूसरे आदमी को जैसे अगर आप काले रंग से पोतते हैं या उसके ऊपर कालिख लगाते हैं तो थोड़ी बहुत कालिख आपके हाथों में भी लगी रह जाती है। तो दूसरों को जब हम निगेटिव लाइट में पोर्ट्रेट करते हैं तो हमारा कद छोटा होता है, ना कि हमारा कद बढ़ता है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आप क्रिटिसाइज़ करने की जगह लोगों को अप्रिशिएट करें, देखें कि भाई उसके अंदर अच्छा क्या है, और अप्रिशिएट करने की भी एक आदत डालें, क्योंकि जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो आप वैसा बनना चाहते हैं, और जब आप वैसा बनना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके वैसे बन जाते हैं और अपने को एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों, लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो ज़िंदा होना इंजॉय नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा बुरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते हैं, डेथ के बारे में सोचते रहते हैं, बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, जिंदा रह के भी वो जिंदा नहीं रहते हैं। जब आप जिंदा हैं, जब आप हेल्दी हैं, तो हेल्दी व्यक्ति की तरह रहिए और लाइफ को इंजॉय करिए। ये तो देखिए तय है कि हर आदमी को एक दिन वृद्ध होना है, एक दिन मृत्यु को पाना है, लेकिन जब आप जवान हैं, जब आप हेल्दी हैं, तो आप निगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें, बल्कि आप एक पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, जो आज है उसको इंजॉय करें, क्योंकि जो आज निकल जाएगा वो फिर दोबारा आपके पास में कभी आने वाला नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइफ के बारे में सोचें, आज को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। चौथी चीज़ है कि हमें फोकस करना चाहिए लव पे, ज़्यादातर हेटरेट अवॉइड करना चाहिए, प्रेम पे फोकस करना चाहिए, नफरत पे नहीं। नफरत करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ निगेटिव होता है, और जब हम उसे फोकस करते हैं तो हम उसको नफरत करने लगते हैं। लेकिन जो नफरत होती है एक आग की तरह होती है, जो सबसे पहले आपको जलाती है, और इस वजह से अगर हम अपनी बेहतरी के बारे में सोचेंगे, जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, प्रेम करेंगे, जब हमारे दिल में प्रेम होगा तो हम खुद ग्रो करेंगे, हमारे अंदर दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होगी, अपने लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होगी। इसलिए जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रेम पे, अच्छाइयों पे, लोगों से आप प्रेम करें बजाय किसके कि लोगों से नफरत करें, और ऐसे लोगों से भी दूर करें जो नफरत फैलाते हैं या जिनके अंदर नफरत भरी होती है। ऐसे लोगों की संगति में जाएं जिनके अंदर प्रेम होता है, क्योंकि उनके संगति में रह के आपको भी प्रेम करना आएगा। उसके बाद में दोस्तों, एक होती है कि जब हम कोई भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं ज़िंदगी में, तो हमेशा हमें डर लगा रहता है कि हम फेल हो जाएंगे। हमारी जो फोकस होती है वो हारने पर ज़्यादा होती है, जीतने पर कम होती है। देखिए, जब भी आप किसी खेल में जाते हैं तो आप या तो हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि जैसे अगर आप एक बैडमिंटन का गेम खेल रहे हैं, टेनिस का गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो अगर आप हार भी जाते हैं तो भी आपको ये समझना है कि आप बेहतरीन प्लेयर बनते हैं, क्योंकि उस दौरान आप कुछ सीख पाते हैं अपने से बेहतर प्लेयर के साथ में। और इसलिए जो हार है वो भी एक तरीके से आपको जीतने के रास्ते पे ले जाती है। अगर आपने खेलना छोड़ दिया उसकी वजह से तो क्या होगा, आप बेहतरीन नहीं खेल पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप सिर्फ हार के बारे में सोचेंगे तो जीतने के जो मंत्र हैं, जीतने के लिए जो स्टेप्स हैं, वो आप कब लेंगे। इसलिए जब आप गेम में जाएं तो हमेशा सिर्फ ये सोचेंगे मुझे जीतना है, और जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप जीत भी पाएंगे। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है दोस्तों कि हम ज़्यादातर जो है एनिमीज़ के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन है, उनका बॉस उनका दुश्मन, उनका सबॉर्डिनेट उनका दुश्मन, उनके कोलीग्स उनके दुश्मन, उनकी वाइफ उनका दुश्मन, उनका हस्बैंड उनका दुश्मन, उनके बच्चे, पेरेंट्स, हर आदमी ऐसा लगता है कि वो उनको गिराने के चक्कर में पड़ा हुआ है, उनको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, और वो हमारा बेहतरी चाहते हैं। इवन पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, बॉसेस हैं, सब आदमी चाहते हैं कि हम बेहतर काम करें, क्योंकि जब हम बेहतर काम करेंगे तो सभी को फ़ायदा होता है। अगर आप एक बेटर पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों को फ़ायदा है, अगर आप बेटर सन हैं तो आपके पेरेंट्स को फ़ायदा है। तो इसलिए अगर हम अच्छे फ्रेंड्स पर फोकस करेंगे जो हमारा शुभचिंतक चाहते हैं, तो हम एनिमीज़ के बारे में फोकस नहीं करेंगे। और इसीलिए जो दोस्त ही है को निभाइए, दोस्तों के साथ खड़े होइए, और अपने जो आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ खड़े होइए, तो आप नेचुरली भूल जाएंगे जो आपके अगेंस्ट में सोचते हैं। और फाइनली दोस्तों, हम खुशी से के बारे में कम सोचते हैं और दुख के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारा जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई मान लिया आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, या कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो कितना मुझे तकलीफ़ होगी, अगर मैं सक्सीड नहीं किया तो कितना मुझे दर्द होगा, लोग क्या कहेंगे, बजाय इसके कि अगर मैं मान लिया सक्सीड हुआ तब लोग क्या कहेंगे। भाई जब दोनों पॉसिबिलिटी हैं, जीतने की भी तो खुशी होगी आपको, जीतने पे अगर आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे तो हारने पे आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आप जीतने के बारे में क्यों नहीं सोचें, आप प्लेजर के बारे में क्यों नहीं सोचें, खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचें कि अगर आप कामयाब होंगे तो आपको कितनी प्रसन्नता मिलने वाली है। तो जब आप प्लेजर के बारे में सोचना शुरू करेंगे, खुशी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आप पेन को भूल जाएंगे। आप देखिए, आपके दांत में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम को करने लगते हैं जिसमें आपका मन लग रहा है, तो आप वो दर्द के बारे में भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अच्छे और प्लेजर सीकिंग कामों के बारे में सोचेंगे, हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे, तो दुख को आप भूल जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप निगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि निगेटिविटी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। जैसे कि एक दिए की जो रोशनी होती है वो बहुत कमरे भर के अंधकार को बाहर कर देती है, एक पॉजिटिव स्टेप जो है बहुत सारे निगेटिव स्टेप्स को ओवरकम कर लेता है और आप कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए, और आप इसको शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में और मेरा वीडियो देखते रहें ताकि मैं आपकी ज़िंदगी में और बेहतरीन मौके आ सकें और ज़िंदगी को आप और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।